167वां सर्ग विभिन्न वादियों की उक्त चार ख्यातियों का तत्वों की दृष्टि से निराकरण और तीनों अवस्थाओं से निर्मुक्त आत्म तत्व का निरूपण करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तत्वज्ञ के प्रति शब्दार्थ दृष्टि रूप आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति और अन्यथा ख्याति खरगोश के सिंगों की तरह असत है। यदि जगत ख्याति होती तो वह आत्मख्याति है या असत्य ख्याति है या अख्याति है इत्यादि विकल्पों का अवसर होता। उन जगत ख्याति ही नहीं है तब किसकी चतुर्विधता होगी। इस आशय से कहते हैं रामचंद्र जी, इन ख्यातियों का कदापि संभव नहीं है। निश्चेष्ट ख्याति आदि कल्पनाओं के मूलभूत चित्त की चेष्टाओं से रहित शांत अव्यय पदेश ज्ञाता मतलब दृष्टा ही केवल है। यह आत्मख्याति आदि भ्रांति दृष्टिया चिन्मात्र से उदित होती है और चिन्मात्र परमार्थ रूप से अत्यंत शुद्ध कल्पना शून्य आकाश है। अतः मैं सारी कल्पनाओं को तन्मय ही देखता हूँ, क्योंकि जो ये इदम्मय अदोमय सर्वमय है वह सब ब्रह्मी है, ऐसी श्रुति है। ये आत्मा है, ये ख्याति है, ये अंतकरण की कल्पना भ्रांति है, अतः इसका संभव नहीं है। इसलिए शब्द का त्याग कर आप परमार्थ भाजन होइए। इसलिए हमने सार्थक आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से विरहित ऐसा कहा है। इस परमार्थ दर्शन से चल रहा ठहर रहा और खा रहा सारा जगत शांत आकाश के समान मौन निर्मल निरवच्छिन्न तथा अप्रवृत्तिमान ही प्रतीत होता है। उक्त अर्थ का विशद रूप से प्रतिपादन करते हैं। उक्त परमार्थ दर्शन से नाना माप शब्दों से भरा हुआ अभी यह जगत शिलावत मौन स्थित है। निरंतर चलता हुआ अभी आकाश के समान तथा पर्वत के समान अचल स्थिर है। भांति भांति के अनेक आरंभों से कर्मों से पूर्ण भी ये महाशून्य तथा अनाकृत है। पंचभूतात्मक होने पर भी अलब्ध पंचभूत वाले आकाश के समान स्थित है। विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी ये शून्य संवेदन मात्र है। स्वप्न में देखे गए महासागर के समान दिखाई देने पर भी निर्मल चिन्मय है। संकल्प नगर के समान आरंभ युक्त होने पर भी आरंभ शून्य है और स्वप्न स्त्री संगम के तुल्य भ्रांति रूप आदि शून्य है। दर्पण में प्रतिबिंब या चित्रलिखित अंगना के समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। उसमें नाना भुवनों का निर्माण होने पर भी वह वस्तुतः वस्तु शून्य है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर यदि अविद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल वासना से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वह दृष्टि पदारूढ़ होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। यानी मेरी समझ में जगत के बाण में स्मृति ही कारण है, भ्रांति कारण नहीं है, क्योंकि स्मृति अधिष्ठान दोष सादृश्य आदि निर्मितों की अपेक्षा नहीं करती, केवल अभी अविद्यमान पदार्थ गोचर है। जागृत स्वप्न जगत के अविद्या निंद्रा आदि दोष जगित जनित होने के कारण तथा स्वप्न स्वप्रकाश चेतन में संयोजन का उपयोग न होने के कारण ये जगत भान चिद दृष्टान वाली भ्रांति है, स्मृति नहीं है। जैसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं वैसे ही पूर्व अनुभवों में भी स्मृति त्वाति होने से स्मृति के मूलभूत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है। ये आशय से श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। चिदाकाश स्वरूप तथा पदार्थों का सत्ता मात्र जो ये चित्त के चाक चव्य से प्रतीत होता है वही ये
कक्तालीय है, कक्तालीय के समान आकस्मित शरीरधारी दीवार बिना दीवार के चित्र साफ जगत है। वह ये अविनाशी शांत जल में तरंगों की नाई परमात्मा में सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है। सर्वात्मक निर्वाण रूप आकाश रूप निराकार परमात्मा में स्वरूप भूत ये बिना निमित्त के ही जिस किसी दोष से जब जब जैसा अंदर भाषित होता है वास्तव में कुछ न होता हुआ भी न सदा या न कदाचित यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है। तब किसकी ये भ्रांति है और किसने ये जगत आदि नाम दिए किए हैं, इस पर कहते हैं इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्म ने चित्त होने के कारण स्वयं स्वभाव भूत स्वच्छ उसी ब्रह्मभान के ही ये जगत ये स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय के नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। वास्तव में तो न स्वप्न है न जागृत है न सुसुप्ति है न तुरीय है और न उसके अतिरिक्त किंतु सब कुछ शांत परमाकाश ही है अथवा चित्त में है। कदापि स्वप्न न होने से ये सब कुछ सदा ही जागृत जगत रूप है या केवल भ्रांति मात्र होने से सदा ही स्वप्न है अथवा अविद्या आवरण मात्र होने से सब सुसुप्ति है अथवा स्वयं ही सदा तीनों वस्तुओं का अतिक्रमण करने से सदा ही ये सब तुरीय ही है ऐसा कहा जा सकता है। तीन अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुरीय का अंत असत्य या निर्विकल्प में वह है या ये इत्यादि विकल्प को भी अशांत रूप हम नहीं मान जानते हैं। जैसे शून्यता रूपी जल में ये फैन है या कुछ नहीं है, यह बुदबुदा है अथवा कुछ नहीं है, ये विकल्प व्यर्थ हैं। वैसे ही चिदाकाश रूपी महासागर के महागर्भ में ये जागृत है या स्वप्न है अथवा ये सुषुप्ति ही ये विकल्प व्यर्थ है। कल्पना वेदन सृष्टि से जिसने जब जैसा नाना जाना उसको तब ये ऐसा ही है यो संतोष करना चाहिए ऐसा कहते हैं। जिस समय जिसका जिसको जैसे स्मरण होता है सत्य हो चाहे असत उसका उसको उस समय वैसा अनुभव होता है। आपके स्वप्न के तरह चित्ती चिदाकाश में ही सत असत शब्दों पदार्थों का अनुभव करती है। ये संवित का स्पूर्ण रूप ही चिद्रूप आकाश सर्वव्यापक चिद्रूप आकाश में पान के अनुसार मन भासता है। ये चिदाकाश ही मज्जारूप वासा रूप वह संवित सदा सर्वदा वैसी ही है, न कभी अस्तों को प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है। यह जगत का उसका अंग रूप है। महाप्रलय दृष्टि महाप्रलय सृष्टि आदि काल विभाग और उसमें महाप्रलय रूपी रात्रि और सृष्टि रूपी के दिन केश न खादी के समान उसके अवयवभूत हुए हैं। उसका वचित रूप पाश्वर भान अथवा मायारूप अभान वायु के स्पंदन के समान महाचैतन्य का स्वभाववत है, अन्य भिन्न नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या जागृत होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुषुप्ति होगी, क्या तुरीय अवस्था होगी, क्या स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी, ये सबकी सब जागृत आदि दृष्टिया कुदृष्टिया है। चूंकि अपना अभ्यंतर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से प्रतीत होता है, अतः कहाँ द्वैत है और कहाँ पदार्थ शोभा है। ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी। वेद शून्य जो ये अपने से भाषित होता है वह स्वभान स्वरूपभूत ही भान है, स्वभिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का निराश्रय आकाश में भूत रहित प्रभा रूप ही भान है, वह किसी भाष्य की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही यह भूत विवर्जित चिदभान ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यदि बाह्य पदार्थ सद्रूप होता तो उससे उसके अनुभव से उत्पन्न स्मृति सर्ग के आदि काल की जागृत स्थिति की कारण हो सकती, किंतु सर्ग सृष्टि के प्रारंभ में उपादान निमित्त सहकारी आदि कारणों का अभाव होने से पंच महाभूतों का अत्यंत असंभव है, अतः ये बाह्य अर्थ है ही नहीं। वह बाह्य अर्थ का वैसे ही
अस्तित्व नहीं है, जैसे कि खरगोश के सिंगों का अस्तित्व नहीं है, और जैसे आकाश वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, जैसे वंध्या का पुत्र नहीं है, और जैसे काला चंद्रमा नहीं है, ठीक वैसे ही सृष्टि के आदि में अज्ञानियों को प्रतीति हो रहा जगत आदि अहम आदि पदार्थ तत्व दृष्टि से न देखा जाए तो है, यदि तत्वतः देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे अज्ञानियों के प्रति महाकाय है, वैसे ही तत्वज्ञानियों के प्रति मूर्त अमृत रूप से रहित चिन्मात्र एक घन अखंडित ही है। संवित घन चिदाकाश की मंजाभूत संवित यद्यपि नित्य ही उदित है, तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहार में उपचार से गौणी वृत्ति से उसमें अस्थि और उदय की कल्पना की जाती है। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है, तब तब उस अपने बाण में ही पृथ्वी की कल्पना करता है। अजन्मा जन्म आदि विकार रहित आकाश रूप महाचित्ती स्वभाव का ही पीछे पृथ्वी आदि नाम से व्यवहार करती है। जैसे मूर्ख मनोरथ नगर में ये नगर है ऐसी संवित करता है, वैसे ही अविनाशी चिन्मात्र आकाश में ही ये पृथ्वी है ऐसी संवित धारण करता है। यदि वह चिन्मात्र ही है तो उसका जगदाकार में भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता है, ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वायु के समान उसे आप स्पंदन और अस्पंदन स्वभाव वाला जानिए। प्राण शक्ति से वह स्पंदन स्वभाव वाला है और चित्त शक्ति से अस्पंदन स्वभाव वाला है, ऐसा जानिए वह भाव है। चिदाकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित होता है वैसे वैसे ये जगत रूप से भाषित होता है। आकाश में निराकाश आकाश ही है, वह ये पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है, इसलिए जिस प्रकार इस जगत का भान होता है वैसे ही भान हो। भान होने पर भी वह चिदाकाश रूप होने से न सर्वथा सत्य है और न असती है, वह प्रपंच रूप कुछ भी नहीं है किंतु वह अनिर्वचनीय ही है। यथास्थित वह जगत ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है अथवा असत है, इस लोक पर्याय वृत्तांत को तत्वज्ञ ही जानता है, अतः ज्ञानी नहीं जानता है, चूंकि वह प्राज्ञ तत्वज्ञ ही सबके हृदयाकाश में आत्म रूप से ही रहता है। अतः आत्म रूप से ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित से ये अभ्यंतर शरीर है, ये बाह्य ब्रह्मांड है, इत्यादि भेद कल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है। इस प्रकार क्या यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या अभ्यंतर है, क्या दृश्य है और क्या इसकी दृश्यता है। शिव शांत और अशांत सब कुछ ओमकार रूप प्रणव मात्र है, यो अभेद कल्पना द्वारा प्रविलापन कर शांत होइए। जब तक विचार करना हो तब तक लोक नीति के अनुसार वाच्य वाचक भाव चाहे वसत ही क्यों न हो स्वीकार करके ही श्रवण मनन आदि विद्या प्रवृत्ति होती है, इस आशय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। वाच्य वाचक भाव के बिना शास्त्रार्थ विचार नहीं हो सकता, और वह शास्त्रार्थ विचार विषयों शास्त्र में विषय संदेह पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सिद्धांत और प्रयोजन इन पांच अवयो वाला अधिकरण कहा गया है। यो प्रसिद्ध पंचव्यव विकल्प से किया जाए तो सिद्धि के लिए होता है। जैसे रात्रि में दीपक के बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, वैसे ही उक्त विचार के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए सम्यक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्प करण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों के निष्कर्ष सिद्ध महार्थभूत सच्चिदानंद द्वितीय आत्मा में संलग्न कर, यानी आत्मनिष्ठ होकर आप इस संसार से उड़कर मोक्ष रूप उत्तम पद को प्राप्त होइए। इस 168वां सर्ग समाप्त।